रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अम्बल तास। ये एक तरह का काढ़ा होता है ना, काढ़ा होता है सही, जो विंटर्स में बहुत यूजफुल है। हम आपको बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। ये अम्बल तास की फली है, ये अम्बल तास की फली है। इसको हमने बाजार से, इसी नाम से मिलती है पंसार थी, और ये मैं आग जलाई हुई है और इसमें थोड़ी सी इसको सेकूंगी ताकि ये आराम से निकल आए। बस एक दो सेकंड इसको सेकेंगे हम, ताकि जो इसके अंदर टैबलेट्स हैं गोल गोल सी, वो आराम से अलग हो जाए, मतलब बाहर निकल आए। इस तरह से इसकी टैबलेट्स होंगी इसके अंदर, ये आप सारी निकाल लेंगे, सही है। ये वैसे नहीं निकलेंगी, थोड़ा सा इसको चूल्हे पे सेक लगाएंगे ना, फिर ये इसकी टैबलेट्स आराम से निकल जाएंगी। वैसे भी विंटर्स हैं, सबके गले ख़राब हैं, तो इस वजह से ये बहुत यूज़फुल है। नज़ला ठंड भी लगे उस वजह है ना, ठंड के लिए भी ना, सीना जकड़ा हो और ठंड लगी हो, बुखार हो, साथ पेनाडोल दे दो, और साथ ये लाजमी दो बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए ना, नमूनिया बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सब के लिए। अच्छा, तो ये सारी टैबलेट्स जो है हमने निकाल ली हैं, तो ये टैबलेट्स जो है ये एक टेबल स्पून आपको नजर आ रहा होगा, ये इतनी हो, ठीक है। एक टी स्पून सौंफ, हाँ एक टी स्पून जो है वो सौंफ है, और एक ही टेबल स्पून गुलकंद है। गुलकंद आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, जो लोग पान खाते हैं उनको तो बड़े आराम से ही मिल जाएगी, पान वाली दुकान से लेना है, या वैसे भी गुलकंद का डब्बा भी मिलता है, ठीक है। ये पानी कितना है? ये डेढ़ गिलास। अच्छा, ये डेढ़ गिलास पानी है। सबसे पहले हम सौंफ डालें। कितनी देर बॉईल करना है इसको मामा? इसको एक दो बॉईल आ जाए, बस एक दो बॉईल आ जाए इसको, उसके बाद हम इसमें गुलकंद ऐड करेंगे। नहीं, साथ ही डालें। अच्छा, इसके साथ ही ऐड करेंगे दोनों को, बस इतनी देर तक नहीं पकाना है ना इसको। तब आपको इसके यूजफुल इफेक्ट्स भी बताते जाते हैं कि ये किस लिए होता है। सीने की जकड़न, नज़ला, बच्चों की नाक जो बहती है और हर वक्त बहती है उसके लिए, और ये जो ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है बच्चों को। ये हमारी गर्मी शुरू से अपने बच्चों को भी पिलाया, अब बच्चों के बच्चों को भी पिलाया, माशाल्लाह आप देखें सब बच्चे हमारे घर के हेल्थी, कभी भी हम डॉक्टरों के पास नहीं गए, ये बना देते हैं, साथ अगर बुखार है बुखार भी उतारते हैं, और साथ पेनाडोल दे दिए आप सिर्फ बच्चों का, और साथ ये लाजमी देनी है आपको, इंशाल्लाह आप देखना जो देंगे ना वो कभी डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे। ये जो उस दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो एक बच्चा आया था, सांस नहीं ले रहा था, मैंने कहा देखो इतनी आसान नुस्खे हैं जो बच्चे डॉक्टरों के पास जाते हैं बार बार। हाँ बिल्कुल, ये बहुत यूज़फुल है। ये थोड़ा सा इस तरह से सौंफ और गुलकंद थोड़ा सा इसमें हल्का सा पकेगा, फिर हम अम्बल तास डाल देंगे, इस तरह से डाल दिया, अब ये पकेगा अच्छा। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको टिक्कियाँ नजर आ रही हैं अम्बल तास की, इसका सारा रंग उतर के ना इसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बहुत इसको उबालना नहीं है, देर तक पकाना भी नहीं है, सही, ज़्यादा नहीं उबालना है ना, उसके लिए अच्छी है। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, वो जो ये टैबलेट्स हैं अम्बल तास की, मैं वो टैबलेट दिखाना, उसका कलर सारा पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, सही है। जैसे कि मैंने पहले ये बताया कि ये इस तरह से अम्बल तास होती है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से टैबलेट्स होती हैं इसकी। ये देखो इसको इस तरह से बबल आ रहे हैं, अब हम इसको चूल्हा टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे, इतना भी ठंडा करके बच्चों को नहीं पिलाना है, हल्का सा मतलब हल्का सा गर्म होना, कोसा हो इस तरह से, इतना गर्म भी नहीं पिलाना है। अब इसको इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसका कलर देख लें आप, इसका कलर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बड़े भी पी सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, बड़े बच्चों सबके लिए है ये, बहुत ही इफेक्टिव है। पूरे विंटर्स में आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और सारी डिटेल्स मैंने इसमें शेयर कर दी हैं कि ये जो है ना किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है। ठीक है, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।